नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पंकज शर्मा काकू के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ के रिलायंस पेट्रोल पंप पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य बात ये रही कि अंबानी के पेट्रोल पंपों को चलाने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा रही है। इसके कारण जो पेट्रोल पंप मनमोहन सरकार के समय बंद हो गए थे वो आज फल फूल रहे हैं। 2000 के नोट इन दिनों देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने जयपुर में करीब 50,000 रुपए नकली बैंक में भी जमा करवा दिए। बैंक प्रबंधन को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उस खाते की जानकारी जुटाई गई जिस खाते में ये कैश जमा कराएगा। बाद में खाता धारक और नोट जमा कराने वालों के खिलाफ पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जांच करधनी थाना पुलिस कर रही है। पूरा घटनाक्रम ICICI बैंक की एक ब्रांच में हुआ है। बोर्ड कक्षाओं के कम परिणाम को लेकर कार्यवाही के बारे में शिक्षा विभाग की नींद 1 से 1.5 वर्ष बाद खुलती है। समय पर कार्यवाही नहीं होने से ना तो संस्था प्रधानों और ना ही शिक्षकों में इसका कोई भय रहता है और ना ही अगले सत्र के परिणाम के लिए पूरी मेहनत हो पाती है। सत्र 2019-20 में न्यूनतम परीक्षा परिणाम रहने पर संस्था प्रधानों और व्याख्याताओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से अब नोटिस थमाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना काल में आर्थिक परेशानी को देखते हुए हजारों अभिभावकों ने निजी स्कूलों से TC कटवाकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले का मन बनाया, लेकिन उन्हें वहां भी पूरी तरह मुफ्त प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकार ने फीस माफी पर कोई निर्णय नहीं किया है। शिक्षा विभाग ने 7 जून को विद्यालय खोलने के बाद आखिरकार अप्रवेश को लेकर प्रदेश के विद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मोटी फीस वसूली के कारण विद्यार्थी बड़ी संख्या में निजी विद्यालयों को छोड़कर सरकारी में प्रवेश ले रहे हैं। झालावाड़ जिले के उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों पर अब चाय पत्ती भी मिलेगी और वो भी कम दामों पर। रसद विभाग की ओर से अगस्त से चाय की पत्ती उपलब्ध कराई जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव ने सभी जिला रसद अधिकारियों, खाद्य निगम आदि को चाय की पत्ती उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ऐसे में स्थानीय खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन डीलर से डिमांड मांगने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक के दौर में धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है, इससे सभी खुश हैं। अनलॉक के साथ ही राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर रौनक लौटने लगी है। ऑफ सीजन के बावजूद अनलॉक के पहले पखवाड़े में जुलाई के पहले सप्ताह तक 30,000 से ज्यादा सैलानियों ने पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। ऐसे में राजस्थान पर्यटन विभाग भी अब राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नवाचार करने जा रहा है। जोधपुर शहर के गुलाब सागर में फिर से फव्वारे चलाने को लेकर नगर निगम आयुक्त रोहिताश तोमर ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुलाब सागर के साथ फतेह सागर का भी निरीक्षण कर वहां भी शीघ्र फव्वारे शुरू करने के निर्देश दिए। आयुक्त के निर्देश के बाद गुलाब सागर में फव्वारे की मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने जुलाई अंत या अगस्त के प्रथम सप्ताह में सभी विश्वविद्यालयों को वार्षिक परीक्षाएं कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पिछले साल की भी परीक्षाएं बाकी हैं। विश्वविद्यालय पहले पिछले साल की लॉ सप्लीमेंट्री और कोविड विशेष परीक्षाएं कराएगा। उनकी तिथियां तय हो गई है और शनिवार तक इन परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी जाएगी। कोविड विशेष और लॉ सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं 26 जुलाई से होना तय है। 10 दिन में ये सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, उसके बाद वार्षिक परीक्षाएं होंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की सचिव व अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश रैना शर्मा ने केंद्रीय कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ट्रेनी मजिस्ट्रेट दिलीप व रविंद्र भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पुरुष और महिला जेल में बंदियों द्वारा रात्रि का भोजन तैयार किया जा रहा था। शर्मा ने भोजनशाला में और अधिक सफाई रखे जाने हेतु जेलर को निर्देश दिए। राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में जारी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपने वेतन से प्रीमियम देना होगा। स्वस्थ रहते हुए कर्मचारी ने अगर योजना का लाभ नहीं लिया है तो भी कटौती तो करानी ही होगी। वित्त विभाग ने कर्मचारियों की कैटेगरी के हिसाब से वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी में सरकारी कर्मचारियों की किस्त 1 जुलाई से ही काटने के आदेश हुए हैं। जोधपुर जिले की बा पुलिस ने गत माह चाखू थाना के अंतर्गत केलनसर रोड छीला नाड़ी के पास 920 किलो डोडा पोस्ट जब्त करने और पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने वाले सरगना को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि दयाकोर में
चंदनपुरा हाल ही में एकलखोरी के श्याम सुंदर और श्याम लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माध्यमिक सेटअप के स्कूल को अब समय पर तृतीय श्रेणी शिक्षक मिल पाएंगे। इन शिक्षकों में फिलहाल 17% पद खाली चल रहे हैं। राज्य सरकार ने 50 साल पुराने सेवा नियमों में बदलाव का फैसला किया है। प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए 6D में सेटअप परिवर्तन के लिए 3 वर्ष सेवा की शर्त समाप्त कर दी गई है। विश्व कल्याण एवं मानव जाति के स्वास्थ्य की रक्षा और उत्तम कामना के संकल्प के साथ जोधपुर शहर के प्राचीन भूतनाथ महादेव मंदिर में 11 से 17 जुलाई तक महारुद्रयाग महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। महामृत्युंजय यज्ञ के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने बताया कि इस महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन पंडित सोमदत्त शर्मा पुरोहित अग्निहोत्री एवं उनके सहयोगी विद्वान पंडितों के सानिध्य में किया जाएगा। मानसून आखिरकार शुक्रवार को वापस सक्रिय हो गया। बीकानेर में भी इसका असर देखने को मिला। शाम को अचानक मौसम पलटा। नोखा और शेरेरा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। हालांकि बीकानेर शहर में 15 मिनट बूंदाबांदी हुई, लेकिन हवा में नमी होने से गर्म थपेड़ों से राहत मिली। मौसम विभाग ने बीकानेर में शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीकानेर में शनिवार से आंशिक रूप से मौसम के मिजाज में तब्दीली देखी जा सकती है। जोधपुर जिले के भोजासर पुलिस ने सियोल नगर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच उपजे झगड़े में महिला व परिजनों पर फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि मामले में फरार बीकानेर के पांचू थाना के अंतर्गत सारुंडा गांव में डूडियों की ढाणी के मुलजिम धर्माराम जाट के भदवासिया फल मंडी में काम करने की सूचना मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।